लखुआ के मोहल्ला रजनी विहार में आज हम पहुंचे हैं, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्षेत्र की समस्या क्या है, साथ ही पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। जनपद हापुड़ के पिलखुआ के मोहल्ला रजनी विहार की सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। यहां की सड़कें कहीं से धस गई हैं तो कहीं से काफ़ी ऊपर उठ चुकी हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि वाहनों की गति को थामने के लिए सड़क ने खुद ही जिगजैग रूप ले लिया है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं। जिस तरह से इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क पर बिछाई गई है, उसमें लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में जिम्मेदारों के साथ साथ ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। विकास तो ठीक ठाक हुआ, कोई ज़्यादा तो हुआ नहीं है कि जो उसकी ज़्यादा तारीफ करी जाए, ऐसा तो कोई विकास हुआ नहीं है, बाकी ठीक ठाक हो गया जी। विकास हुआ है, लेकिन और भी संभावनाएँ हैं जहाँ पर विकास किया जा सकता है। कुछ जगहें तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें जहाँ पर पानी भर जाता है, और जैसे निकास की जो सुविधा है वहाँ पे वो बेटर की जा सकती है। समस्या जी ये रोड ख़राब है जी, इस तरह नाली गड्ढे सब बेकार हो रहे हैं, कुछ भी समस्या सही नहीं हो रही है सॉल्व जी। बिल्कुल ऐसी हालात है जी यहाँ जी, काफ़ी टाइम से यही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा जी। विकास तो कुछ भी नहीं हुआ, बस रोड सही हो जाते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं। इस बड़े तो पहले ही सही थे। एक समस्या देखिए आप, गड्ढे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, ये सारी समस्याएं हैं। नाली ठीक नहीं बन रही, ये सारी समस्याएं हैं। अच्छा, अभी क्या हालात है? और यहाँ देखो पानी वानी नहीं फिरता रहा है, यहाँ कोई देखता ना, देखो सड़क कैसे टूटी पड़ी है यहाँ। पिलखुआ के मोहल्ला रजनी विहार की ये तस्वीर पिछले कई दिनों से बनी हुई है, जहां बारिश के दौरान तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। टूटी सड़क के साथ नालियों की स्थिति भी बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। वाहन सवार कभी भी गिरकर चोटिल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और ठेकेदारों के साथ साथ जिम्मेदारों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। तो हमने पिलखुआ के मोहल्ला रजनी विहार कॉलोनी के लोगों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में कुछ खास विकास नहीं हुआ। क्षेत्र की मुख्य समस्या वो है टूटी सड़क। फिलहाल के लिए इतना, लेकिन आपके क्षेत्र की समस्या क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। सोशल मीडिया